नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दृष्टिगत जिला संयुक्त चिकित्सालय उन्नाव तथा तहसील बीगापुर परिसर से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दस्तक अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे द्वारा एसपी श्री सिद्धार्थ शंकर मीणा की उपस्थिति में लोगों को साफ सफाई एवं सामुदायिक स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई गई। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ जनपद को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 17 जुलाई से 31 जुलाई तक जनपद में गंभीरता के साथ संचालित करें, ताकि संचारी रोगों का प्रसार रोका जा सके। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कृषि एवं सिंचाई, उद्यान एवं सूचना विभाग समन्वित रूप से कार्यवाही संपादित कराएंगे। उन्होंने सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा अपने विभागों से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इस महत्वपूर्ण जनहित के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत साफ सफाई, स्वच्छता, एंटी लार्वा छिड़काव, फोंगिंग, नाला नालियों की सफाई, तालाबों, पोखरों के पास की झाड़ियों की सफाई, सुअर बाड़ों की सफाई तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आदि कार्य शत प्रतिशत सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान की साप्ताहिक समीक्षा विभाग वार की जाएगी। खराब प्रगति पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री ऋषिराज ने कहा कि अभियान के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां प्रतिदिन अपने क्षेत्र में घरों का भ्रमण करेंगी तथा बुखार के रोगियों की सूची, इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेस रोगियों की सूची, फाइलेरिया, कालाजार, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची तथा कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर NNM के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि अभियान को सफलतापूर्वक संपादित कराने हेतु 295 ANM, 2665 आशा बहुओं तथा 2736 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को लगाया गया है। जनपद के 1040 ग्राम पंचायतों सहित 1686 राजस्व ग्रामों तथा 3 नगर पालिका सहित कुल 19 नगर निकायों के कुल 266 वार्डों में संचारी रोगों की रोकथाम संबंधी गतिविधियां, साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने, शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी सहयोगी विभागों द्वारा व्यवहार परिवर्तन करने हेतु प्रचार प्रसार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।